कांग्रेस पार्टी ने आपको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, सबसे पहले तो बधाई। धन्यवाद। कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए और क्या मान के चल रहे हो, किन मुद्दों के साथ चुनाव पे जाएंगे आप? पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के माननीय जीतू पटवारी जी और वरिष्ठ सभी नेताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे संसदीय क्षेत्र शहडोल के लिए एक प्रत्याशी के रूप में मुझे अवसर प्रदान किया है। वर्तमान में जो हमारे शहडोल संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पहले हमारे आदरणीय दलवीर सिंह जी, राजेश चंदनी सांसद रही हैं, इसके बाद जो है भाजपा का ही यहाँ सांसद रहे हैं और लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है और जो वर्तमान में महंगाई, बेरोजगारी के साथ ही किसानों के साथ जो हो रहा छलावा, मध्य प्रदेश की बात करें तो 2700 रुपए चुनावी घोषणा करने के बाद 2700 रुपए ही मात्र दे रहे हैं। हमारे बेरोजगारों के लिए कोई ऐसा रोजगार के सृजन इन्होंने नहीं किया और शहडोल ज़िले में हमारा अपार कोयला का भंडार है। यहाँ हर ज़िले में, चाहे वो हमारा उमरिया हो, शहडोल हो, अनूपपुर हो, इतने भंडारण होने के बाद भी यहाँ के बेरोजगार को काम नहीं दिया जाता है। हम इसकी लड़ाई आने वाले समय में हम लड़ेंगे और जहाँ तक चुनौती की बात आपने किया है, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। आज भी ये पूरा आदिवासी क्षेत्र है, शहडोल संसदीय क्षेत्र, जंगल पहाड़ों में लोग निवास कर रहे हैं, आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। जो बिजली, पानी, सड़क जो होना चाहिए था वो हमारा तो है ही है और हमारी आज जो राष्ट्रीय चुनौती, जो हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जो संविधान था उसको परिवर्तन करने का, कई सांसदों ने आपने देखे हैं दैनिक पेपरों में और मीडिया के माध्यम से अपने वक्तव्यों को दिए कि 400 पार संविधान को परिवर्तन करने के लिए आवश्यक है, ऐसा भी स्टेटमेंट आया। आज हमारे देश में जब स्वतंत्रता के बाद इस देश में जो कानून लागू किया गया, विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के अन्य प्रदेशों के लोग यहाँ निवास करते हैं और इस तरीके के जो विचारधारा देश में पनप रही है, जो आपसी भाईचारा को दूर करता हो, यहाँ नफरत की भावना पैदा किया जाता रहा हो, ऐसे स्थिति में मैं मानता हूँ कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। और पिछले 5 साल में जो हमारे प्रतिनिधि रहे हैं, सांसद जी रहे हैं, उनकी क्या गतिविधियाँ रही हैं, क्या वो स्वीकार योग्य है क्षेत्र में कि नहीं है। सरकार 10 साल माननीय मोदी जी का सरकार रहा, उन्होंने जो वादा किया, चाहे वो काला धन लाने की बात हो, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात हो, इन तमाम मुद्दों को हम जनता के बीच में जाएंगे। करनी और कथनी कितना आपका जो है, आपका जो आप कह रहे हैं वो क्या आप जनता के लिए लागू आप कर रहे हैं, ये सारी बातें जो है जनता के बीच में हम जाएंगे और हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि आज पूरे संसदीय क्षेत्र में लोग त्रस्त हैं। भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, जो माननीय राहुल गांधी जी जो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और हमारे मणिपुर से लेकर के आपका महाराष्ट्र, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उन्होंने इस देश में भाईचारा पैदा करने का बात की है, नफरत को जो फैल रही है उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। हर समाज का, हर दूसरे समाज से प्रेम होना चाहिए। हमारा जो संविधान की मूल विचारा है, सबके साथ सबका विकास की बातें जो भाजपा कर रही है, तो मैं मान रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा तो वो त्रस्त ही करके रखे हुए हैं। और वर्तमान में जो राष्ट्रीय राजनीति चल रहा है, मैं मानता हूँ कि वो हमारे लोकतंत्र को जो है आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, चाहे वो तत्कालीन जो घटना घटी है, चाहे केजरीवाल का हो, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ सोरेन जी के साथ हुआ हो, अन्य ऐसे घटनाएं जो घट रही हैं, हमारे स्वयं के कांग्रेस पार्टी के पूरे खातों को आपने सीज कर दिया, चुनाव का समय है, ये
जो आप क्या बताना चाहते हैं इस देश में? ये लोग, कांग्रेस पार्टी इतने दिन सत्ता में रही, उन्होंने कभी भी किसी भी बदले की भावना से कार्यवाही नहीं किया, और हम इस लोकतंत्र को बचाने का काम किए, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किए, और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा उनके जो है इसको दफन करने के ओर बढ़ रहे हैं, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। और मैं अब ये कहना चाहता हूँ, सारी बातें हम आज पत्रकार वार्ता शहडोल में हमारी है, वहाँ बहुत सारी बातें हम करेंगे, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि शहडोल संसदीय क्षेत्र में हमारा कांग्रेस की जीत होगा।